हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी एली खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मुंबई का डे 4 वाला व्लॉग। तो बिना बकवास किए चलो शुरू करते हैं। आज मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई थी तो मैंने उठते ही सबसे पहले फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में पनीर की भुर्जी थी, देखने में तो अंडे की लग रही है। उसके बाद मैंने अपना सामान पैक किया और मैं निकल गई। आज हम सभी को दो दो बैग्स ले जाने थे क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी हेयर केयर की और सेकंड क्लास थी स्किन केयर की, तो हमें बहुत सारा सामान लेकर जाना था। टुडे वी कांट वॉक स्लो देविका, वी हैव टू बी फास्ट। चलो, तो हम लोगों ने एक ऑटो किया और उसमें बैठ गए। आज हम लोगों के पास ज्यादा सामान था, सबके पास दो दो बैग्स थे। तो जैसे ही हम लोग क्लास पहुंचे तो हम लोगों ने देखा सिर्फ 6 लड़कियां वहां पहुंची थी मुझे काउंट करने के बाद, और टेबल्स वगैरह अपनी जगह रखी हुई थी। तो फाइनली बाकी लड़कियां भी पहुंच चुकी थी। सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे पर हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया। हमें बोला गया जब तक मैम नहीं आते आप लोगों को अपने डांस की प्रैक्टिस करना है। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो, गो। I am a disco dancer। हाँ, ये कैमरे में आने के लिए था या मुझे गिराने के लिए? मजाक था भाई, मजाक। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, पर उस गाने पर नहीं जिस गाने पर हमको बोला गया था। हम लोगों ने अपनी ही एक कोरियोग्राफी की और उस पर हम प्रैक्टिस करने लगे। वैसे मैं इन लड़कियों की तारीफ करना चाहूंगी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हूँ बट मुझे यहाँ आकर इन लोगों से इतना लगाव हो गया। वजह ये खुद है क्योंकि लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है ऐसा सब कहते हैं और मुझे भी यही लगता था, पर इन लोगों से मिलने के बाद मुझे लगा कि ये इतना अप्रिशिएट करती है, गाइस इतना अप्रिशिएट करती है, अगर मैं चलते चलते गिर भी जाऊँ ना तो ये मुझे कहेंगी वाओ एली कितना अच्छा वॉक करती हो तुम। तो भला कोई कैसे डीमोटिवेट हो सकता है। थैंक्स, लव यू। ये दिन मैंने बहुत इंजॉय किया और बाकी गर्ल्स को भी मैं ये कहना चाहूंगी, घर से निकलो, जिद करो घर वालों से कि आपको कुछ करना है, अपने सपनों को जियो, ताकि आपको भी ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मिले और आपको लगे दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। ये क्यों गिर रहा है? बदतमीज। बाकी लड़की अंदर थी तो वो बाहर आई और हमने फिर से प्रैक्टिस की। कह दो कि ये झूठ है। Are you 5'5"? She's so tiny. तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? तुम भी अच्छी, तुम भी बहुत छुपाई। खड़ा हूँ आज भी वहीं। इसने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। चलो प्रैक्टिस करते हैं। चल छैया 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 चल छैया 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 इतनी खुशी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। Now time is over, let's go lunch करते। जोर से भूख लगी थी और लंच में था आलू के पराठे। घर की याद आ गई, मिस यू मम्मी। तो इन डिलीशियस पराठों के साथ हम लोगों ने की थोड़ी गपशप। इसके बाद हम लोगों की क्लास थी बालों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, जो कि हर लड़की को मालूम होना चाहिए। ये मुझे भी मालूम नहीं था, पर मुझे यहाँ आने के बाद ये पता चला है कि हम जब भी कोई मशीन यूज करते हैं अपने बालों में तो हमें कोई भी हीट प्रोटेक्टर या मूस यूज करना चाहिए। और यहाँ आने से पहले मैंने कोटा में बहुत सारे शूट्स किए हैं, पर
किसी भी मेकअप आर्टिस्ट ने आज तक मेरे बालों में मूस या हीट प्रोटेक्टर यूज नहीं किया है। अगर किया होता तो मुझे पता होता। तो अगर आप लोग भी शूट्स करते हैं या कहीं भी हेयर स्टाइल करवाते हैं तो प्लीज उनको बोलिए मूस या हीट प्रोटेक्टर जरूर यूज करें, क्योंकि हमारे बालों का सवाल है और हर बार हीट लगने से बाल खराब जल्दी हो जाते हैं। और अगर आपको बोलने में शर्म आती है तो बधाई हो, आप जल्दी गंजे हो जाओगे। तो ये स्टिक हम लोगों को बताई थी स्लीक हेयर स्टाइल के लिए। आई लव इट, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है स्लीक हेयर स्टाइल, बट मुझ पे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है या नहीं लगती वो तो आप लोग ही बताओगे कमेंट में, जल्दी कमेंट करो। तो ये सभी प्रोडक्ट हमारे हेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये ड्राई शैम्पू है जो हमारे स्केल्स की गंदगी और ऑयल को विदाउट एनी वॉश ऑब्जर्व करता है। हो गया ना बिना मेहनत के काम। तो हम लोग हो चुके थे क्लास से फ्री, उसके बाद हम लोगों की स्किन केयर क्लास। तो हम लोग कर रहे थे वेट सर के आने का। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एंड आई वांट टू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माय स्किन। बहुत मुश्किल होता है सेंसिटिव स्किन को मेंटेन रखना यार। और अगर आप इस पे कुछ गलत यूज करते हैं तो ये बहुत जल्दी अपना रंग दिखाने लगेगी गिरगिट की तरह। दादा परदादा खानदान को बुरा लग जाए पर इसको बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बुरा लगने लग जाएगा अपना चेहरा। चलो ये बातें तो होती रहेगी। सर आ चुके थे और सर ने हमें बहुत कुछ बताया एंड थैंक यू सर फॉर अटेंडिंग अवर स्किन केयर क्लास, और हमें ये बताने के लिए कि हमें अपनी अपनी स्किन की केयर कैसे करना है। मुंबई आने के मुझे बहुत ज्यादा फायदे हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला है जो मैं घर बैठे तो नहीं सीख पाती। तो गर्ल्स सपने देखे है ना, उन्हें पूरा भी करना है, तो निकलो घर से बाहर। ऐसे मैं ज्यादा ज्ञान बांटूंगी नहीं क्योंकि मुझे भी घर से बाहर निकलने में बहुत साल लगे। तो देख लो यार अपने हिसाब से, मनाओ घर वालों को, जिद करो और पूरे करो अपने सपने। चलो हम लोग तो फ्री हो गए और हम लोग निकल रहे घर के लिए। आज हम घर पे ही ऑर्डर करके खाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो चुका था और हमें पीजी भी टाइम पर पहुंचना था और वहां पहुंचकर हमें ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करनी थी। तो हम लोग जल्दी से घर के लिए निकले और हम लोगों ने वहां ऑर्डर किया खिचड़ी। और ये शहर शाम को काफी प्यारा लगता है। वैसे ये शहर कोटा से बहुत ज्यादा बड़ा है और भीड़ भाड़ भी काफी ज्यादा है, पर हाँ ये एक्सपीरियंस, ये चीजें, ये शहर, ये बिल्डिंग्स, ये सब बुढ़ापे में बहुत ज्यादा याद आने वाला है। तो आज का ज्ञान बस इतना ही, बाकी ज्ञान मैं अगले व्लॉग में दूंगी। तो मैं पीजी पहुंच चुकी हूँ, अभी मुझे क्लास अटेंड करना है, उसके बाद सोना है, सुबह जल्दी उठना है। तो आज मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, लाइक कमेंट वाला काम मैंने किसी और को दिया है। बाय गाइस। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।